वो मेकअप बताने वाली हूँ जो हम इंडस्ट्री में जो मेकअप यूज करते हैं। और ऑडिशन बनाने के लिए आपको कुछ इक्विपमेंट की जरूरत होती है, बट आज इस वीडियो में मैं आपको वो ऑडिशन परफॉर्म करके बता दूंगी कि मैंने जो अभी पढ़ा है वो मैं कैसे परफॉर्म कर लूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैं ऑडिशन वीडियोस कैसे शूट करती हूँ, मेरा क्या प्रोसेस होता है, कैसे मेकअप करती हूँ। तो ये जो मैंने मेकअप किया है सेम मैं करके दिखाऊंगी आपको इसी वीडियो में। और जब भी आप ऑडिशन वीडियो शूट करो, ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता है कि आप ही सिर्फ मेकअप कर सकती हैं, लड़कों को भी मेकअप करना चाहिए। मतलब आप जब भी कैमरा के सामने आओ, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा मेकअप ज़रूर करना चाहिए। लाइक एक हल्का सा बेस जो आपके स्किन टोन से मैच करता हो वैसा बेस आप लगा सकते हो अपने चेहरे पर, और इससे आपका लुक भी अच्छा आएगा। ठीक है, आई नो लड़कों को मेकअप की ज़रूरत नहीं है, राइट? लेकिन जब भी आप कैमरा के सामने आओ आप प्रेजेंटेबल लगने चाहिए और अच्छे आउटफिट्स पहनो। मैंने बहुत ही मेहनत से बहुत ही डिटेल में ये वीडियो बनाया है, इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ बताई है मैंने जो बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग्स के साथ मैंने टॉपिक्स भी मेंशन किया है, तो अगर आप कोई पार्ट स्किप करना हो तो आप कर सकते हो, बट प्लीज़ आप पूरा देखिएगा वीडियो। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सेटअप कैसे करती हूँ और मेरा रूम कैसा है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये मेरी आउटफिट है जो मैं पहनने वाली हूँ, ये दो चेंजेस कर रही हूँ मैं। और फिर ये मेरा मेकअप का पाउच है, इसमें सब मेरे मेकअप के सामान हैं, सब फिर सब निकाल के रखे हैं। और ये मेरे स्क्रिप्ट की बुक है और ये मेरा रिंग लाइट है। तो अभी मैं पहले ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लिक्विड फाउंडेशन की आदत हो गई है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ अपने चेहरे पर जब भी मैं कोई वीडियोज़ बनाती हूँ। बट आज पहली बार मैं क्राइलॉन का प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ, और यही प्रोडक्ट हमारे इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसे मैंने क्लिप लगा लिया है ये, ताकि पफ जैसे बना रहे और बाउंसी भी लगे। अब मेकअप की शुरुआत करते हैं। सो पहले हम लगा रहे हैं मॉइस्चराइज़र। मैं यूज़ कर रही हूँ सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र, और उसको अच्छे से मैंने अपने फेस पे लगा लिया है। इसके बाद मैंने लिप बाम लगाया है। जो क्राइलॉन के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो वो ऐसे रिफिल के फॉर्मेट में मिलते हैं। ये पूरा ना एक बॉक्स में भी आते सारे शेड्स होते हैं उसमें, बट उतने सारे शेड्स लेके कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए मुझे जो मेरा शेड लगता है मैंने वो शेड लिया है। तो ये जो मेरा शेड है इससे मैं कंसील करती हूँ, और जो फाउंडेशन के या मैं बेस के रूप में अप्लाई करती हूँ वो ये शेड है। तो सारे शेड नंबर प्रोडक्ट लिंक मैं सब डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, आप उसे देख सकते हो। हम प्राइमर लगाएंगे, मॉइस्चराइज कर लिया है। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का प्राइमर। तो इतना मैंने प्राइमर ले लिया है, तो आपके जो भी ओपन पोर्स हैं वो मिनिमाइज कर देता है प्राइमर। इसके बाद अब मैं मेरा कंसीलर ले रही हूँ, जिससे मैं अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करूँगी और जो भी अनइवन एरिया है फेस पे उसे हाइड करूँगी। तो जो क्राइलॉन के बेस होते हैं ना, उसको ब्लेंड करने के लिए आप मेकअप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन ब्रश का। और हम ऐसा स्पॉन्ज भी यूज़ करते हैं, तो मैं ये स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ। तो इसको ऐसे हाथ से स्प्रेड करके ये प्रोडक्ट आ जाएगा, देख सकते हो। तो इसको बस ऐसे डॉट 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 करके लगाना है। तो इसी तरह से डॉट 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 करके मैंने सब लगा लिया है। ये ब्लेंडर को मैंने गीला कर लिया है और उसको ऐसे फोल्ड करके बस डैप डैप करना है, स्प्रेड घिसना नहीं है। ये शेड भी मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है, मैं परफेक्ट शेड निकला ये। अब मेरे पास कॉन्टोर नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, जो भी मेरा कंसीलर का शेड है डार्क उसी से मैं क्रिएट कर रही हूँ एक कॉन्टोर जैसा। तो मेरा बेस हो चुका है, और इसे सेट करने के लिए मैं लूज पाउडर यूज़ करूंगी। हम लोग इस तरीके का पफ यूज़ करते हैं, तो इसमें लाइक फिंगर ऐसे इंसर्ट करके और ये ऐसे ऐसे डैप कर सकते हैं पाउडर लेकर। तो इसमें भी सेम ऐसे ही पफ है, तो मैं इसी से यूज़ करूंगी। तो अभी मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रही हूँ, तो फटाफट दिखा दूंगी, बाद में मिलती हूँ आपको पूरा करके। तो ये है विदाउट लाइट, और लाइट के साथ तो आप देख सकते हो कितना अमेजिंग मेकअप किया है मैंने। मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ इस वीडियो के चक्कर में, मुझे सच में ऑडिशन वीडियो शूट करना है, क्योंकि मेरे पास ऑडिशन वीडियो अच्छे खासे नहीं है। मतलब मैं ट्राई करती हूँ 3-4 महीने में ऑडिशन चेंज करते रहूँ, बनाते रहूँ, और यही करना चाहिए आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि आपने आज ऑडिशन शूट कर लिया पूरे साल भर आप वही ऑडिशन चलाते रहोगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ महीने में आपको अपने ऑडिशन
रीशूट करने चाहिए क्योंकि हमेशा आपका लुक बदलता रहता है, स्टाइल बदलती रहती है, तो हमेशा शूट के वक्त करंट लुक मांगा जाता है, करंट पिक्चर्स मांगे जाते हैं, तो इसलिए आपको भी अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रेस नहीं लेना है कि यार एक दिन में मुझे सारे शूट करने, मतलब मैं भी ऐसी करती थी हड़बड़ी में, मतलब एक दिन में 4-5 में वीडियो शूट कर लूँ, बट ना वो बहुत पैनिक चीज़ें हो जाती है और फिर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं एक पर्टिकुलर ऑडिशन के लिए। तो इसलिए आज मैंने सोचा है कि मैं 2 ऑडिशंस शूट करूँ रिच लुक में और उसी को अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करूँ। 2 नहीं हो पाया तो कम से कम 1 तो मैं अच्छे से कर सकूँ और मुझे सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि वो अच्छा लग रहा है ऑडिशन मेरा। तो मेरे हिसाब से जब भी हम ऑडिशन शूट करें तो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, आपकी स्क्रिप्ट रेडी होनी चाहिए, ठीक है? आप बुक में लिख लो कि ये स्क्रिप्ट है और मुझे आज इन्हीं 2 पे काम करना है, इसी 1 पे काम करना है, तो उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। स्क्रिप्ट पढ़ लो अच्छे से, मूड जान लो उसमें क्या मूड है, प्रैक्टिस कर लो किस वे में मैं परफॉर्म करूँगी और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आपका लुक कैसा होना चाहिए, ओवरऑल गेटअप कैसा होना चाहिए। आप अपने कपड़े सिलेक्ट करके रखो कि इस ऑडिशन में मैं ये लुक लूँगा या ये लुक लूँगी, ये आउटफिट पहनूंगी। अब इस आउटफिट को मुझे एसेसराइज भी करना है, तो अभी जैसे कि ये बहुत ओपन ड्रेस है, ठीक है, तो एक अच्छा सा छोटा सा स्टड है तो मैं यही पहन सकती हूँ। चेंज अगर मैं नेगेटिव लुक कर रही हूँ तो थोड़ा सा फैंसी करना पड़ेगा, देखती हूँ मेरे पास क्या इयर रिंग्स है। अगर सिंपल लुक होता, कैजुअल लुक होता, तो यही आउटफिट के साथ मैं घड़ी पहन के नॉर्मली और इयर रिंग्स यही रखती, बट अगर थोड़ा मुझे ड्रामा दिखाना है तो घड़ी पहन लूँगी और ये चेंज कर लूँगी, इयर रिंग्स थोड़े अच्छे फैंसी पहनूंगी और आईज को और अच्छे से डिफाइन करूँगी, लाइक आईलाइनर लगा लूँगी वो सब, काजल हल्का सा, और लिप्स ये कैसे मैंने न्यूड लिप्स रखा है तो ये कैजुअल वेयर के लिए ठीक है। अगर थोड़ा सा मुझे और फैंसी दिखाना है तो मैं इसको डार्क लिप्स भी कर सकती हूँ। तो लेट्स सी मेरी स्क्रिप्ट क्या डिमांड करती है, उस हिसाब से मैं अपना लुक लूँगी। तो ये सब चीज़ें आपको सोच समझ कर स्क्रिप्ट शूट करना होता है। और ऑडिशन बनाने के लिए आपको कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, मेरा एक्चुअली फ़िलहाल के लिए यही सेटअप हो गया है, यही मैं ऑडिशन शूट करती हूँ। रिंग लाइट लेने से वीडियो की क्वालिटी और अच्छी हो जाती है, तो एक अच्छे रिंग लाइट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मुझे ये गिफ्ट मिला था, तो स्टैंड एंड लाइट लेके आई थी, ये 3000 का कुछ है, ये बड़ा रिंग लाइट नहीं है, ये छोटा वाला रिंग लाइट है, तो स्टैंड रिंग लाइट, और मतलब आप अच्छे लाइटिंग में शूट करोगे तो ऐसा लुक आएगा, आप सुंदर भी लगोगे, आपके ऑडिशंस भी बहुत अच्छे निकल कर आएंगे। तो क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक सिलेक्शन में भी ये बहुत मायने रखता है कि आप किस वे में शूट कर रहे हो, लाइटिंग कैसी है। इसलिए जब भी स्क्रिप्ट हमें शूट करना होता है, ऑडिशन बनाना होता है, तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली लिखा होता है कि एक अच्छी लाइटिंग में ऑडिशन बना के दे। और जब भी आप लीड के लिए परफॉर्म कर रहे हो, लीड के लिए ऑडिशन दे रहे हो, तो लाइटिंग्स सब कुछ, आपका हेयर मेकअप कॉस्ट्यूम हर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये नहीं सोचो कि मैं कैजुअली खड़े होकर ऑडिशन बना दूंगा, नहीं, आपका गेटअप स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, ये मेरे पुराने ऑडिशन वीडियो है, इसमें कोई भी क्वालिटी नज़र नहीं आ रही है क्योंकि बैकग्राउंड बहुत डार्क है, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, मेकअप सही नहीं है। नेक्स्ट फोटो आप देख रहे हो, ये सेम लोकेशन है बट मैंने यहाँ पे पीछे व्हाइट पेंट करा दिया है और नीचे जो काली ज़मीन थी उसको मैंने व्हाइट कारपेट लगा दिया है, तो जिसके रिफ्लेक्शन से बहुत अच्छा वीडियो क्वालिटी उभर के आ रहा है। और मेरा फ़ोन भी मैंने चेंज किया था इसमें। इसके बाद आप जो लास्ट फोटो देख रहे हो, ये मेरे आईफोन का है, अभी रिसेंटली मैंने जो शूट किया है आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। सो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ अपने ऑडिशन के लिए और मैं बताती हूँ कि स्क्रिप्ट कैसे पढ़ती हूँ मैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे किस स्क्रिप्ट पे ऑडिशन बनाना है, तो इस ऑडिशन को मैंने अभी अभी याद किया। और जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे, हमें समझेगा कैसे कि मूड क्या है स्क्रिप्ट का। सो देखो, जब भी आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि स्क्रिप्ट क्या डिमांड कर रही है। तो जो मेरी स्क्रिप्ट है वो उसमें थोड़ा सा दुख भी है, लाइक ब्रेकअप तो हो चुका है इनका और थोड़ा दुख भी है, बट वो लड़की मूव ऑन कर चुकी है तो वो सारे इमोशंस को मिलाकर ये एक स्क्रिप्ट है। तो इसी तरीके से जो भी स्क्रिप्ट मिलती है हमें उसे इमेजिन करना चाहिए कि ये हमारे साथ हो रहा है तो हम कैसे बिहेव करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे।
तो मैंने भी वैसा ही किया है और अब मैं टेक बनाने जा रही हूँ। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि कितने देर में स्क्रिप्ट याद होती है, तो देखो मुश्किल से 10 मिनट में मुझे स्क्रिप्ट याद हो गई है। अब सबका अलग अलग भी है, कभी कभी मुझे कुछ स्क्रिप्ट याद करने के लिए 15 से 20 मिनट भी लग जाते हैं, और वो मैं क्या करती हूँ ना, घर पे रहते हैं तो 10 बार टेक ले लेके मैं स्क्रिप्ट याद कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे याद करते जाऊँगी तो मुझे याद नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, कैमरा ऑन कर लेती हूँ, फिर जो जो भूलती जाऊँगी वहाँ से याद करते करते मुझे फाइनली स्क्रिप्ट याद हो जाती है। बट जैसे ये भी याद हो गई है, लेकिन मुझे पता है कि एक टेक में शायद ही हो पाए, वरना सेकेंड टेक में तो ये हो जाता है कम्प्लीट। तो इसी तरीके से मैं मेरा लाइक स्क्रिप्ट का पूरा प्रोसेस होता है। और अगर आपको ऐसी स्क्रिप्ट रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, अगर मेरे पास जवाब होगा तो मैं बता दूंगी आपको। तो अगर मैं सेट की बात बताऊं तो सेट पर ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट मिलती है, लाइक जब हमारा हेयर एंड मेकअप हो रहा होता है तभी स्क्रिप्ट हाथ में दे दी जाती है, तो हम उसी वक्त लर्न कर लेते हैं। उसके बाद कभी कभी क्या होता है आपका, अगर रेगुलर सीन्स है तो जो आपको स्क्रिप्ट मिली आप उसमें पढ़ लेते हो, ठीक है, सेट पर जाने के बाद वो सीन होने के बाद उसके बाद ही तुरंत आपके हाथ में दूसरी स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि ये नेक्स्ट सीन है, ये आपकी लाइंस है। तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, बट वो याद हो जाती है, क्योंकि वो मोनोलॉग तो होता नहीं है, दो लोगों की, तीन चार लोगों की लाइंस होती है, तो वो समझ जाते हैं हम। और फाइनल टेक से पहले एक दो बार रिहर्सल होता है, और उससे भी पहले एक बार रीडिंग हो जाती है, तो सबको लाइंस लर्न हो जाती है। तो देखो जनरली आप जो मेरे ऑडिशंस होते हैं वो डायरेक्टली मेरे चैनल पर देख लेते हैं, बट आज इस वीडियो में मैं आपको वो ऑडिशन परफॉर्म करके बता दूंगी कि मैंने जो अभी पढ़ा है वो मैं कैसे परफॉर्म कर लूँ विद इमोशंस। हाँ, सो मुझे रेडी हो जाने दो। हाय निशांत, तुम इतने साल बाद यहाँ। ओह अच्छा, मतलब तुम मुझसे मिलने आए हो, राइट? मतलब वो जो लड़की थी वो बेवकूफ थी क्या, जो दिन रात तुम्हारा स्टेशन पर इंतजार करती रही, और तुमने क्या किया, तुम तो आए नहीं। पता है निशांत, उस दिन मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, या तो मैं मर जाऊं या तो खुद को बदल दूं, बट थैंक गॉड मैंने दूसरा ऑप्शन अपनाया और खुद को बदला। बट स्पेशल थैंक्स टू यू, मैं भूल गई स्क्रिप्ट, वेट, ऐसा होता है, ठीक है, मेरे साथ भी होता है, देख रहे हो कैसे एक्सप्रेशन चेंज कर रही हूँ फटफट। तो ऐसे करना चाहिए, आना चाहिए आप लोगों को भी। बट थैंक्स टू यू कि तुम्हारे वजह से मैंने खुद को बदला। क्या क्या कहा तुमने, तुम्हारी और मेरी शादी? मिस्टर निशांत, शायद तुम भूल रहे हो, वो जो लड़की थी ना रिया, वो कोई और थी, और मैं जो अभी खड़ी हूं तुम्हारे सामने, ये रिया कोई और है। सो मिस्टर, अपने दिमाग में ये फालतू की बातें लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ये लाइन मैंने खुद ही ऐड की, ये लाइन नहीं थी। तो मतलब हाँ, ये ऑडिशन था मेरा, आई नो बहुत वर्क करना है अभी, तो मैंने रैंडमली परफॉर्म किया। तो ऐसे ही होता है, फर्स्ट टेक में ना कुछ बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है, फिर मैं उसको एनालाइज करती हूँ कि अरे यार यहाँ गड़बड़ थी, इसको मैं और अच्छा कर सकती हूँ। तो अभी शायद मैंने बहुत घटिया परफॉर्म किया है, बट इसका जो ओरिजिनल वीडियो होगा ऑडिशन का, आप वो भी देख लेना कि मैंने उसे कैसे परफॉर्म किया था। अगर तो वो ऑडिशन वीडियो मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है, ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा फाइनल टेक कौन सा था और कैसा था। सो ये है मेरा सेकेंड लुक, और ये वाला जो स्क्रिप्ट है ये फुल ऑन रिच लुक और एटीट्यूड वाली गर्ल का कैरेक्टर है, तो इसलिए मैंने ये ऐसा ऑफ शोल्डर है ऐसा वाला, तो थोड़ा फंकी लुक है, कॉलेज लुक है, तो मैंने ऐसा वन पोनी गेटअप लिया है। और स्क्रिप्ट पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि फुल ऑन वो
सामने वाली लड़की की बेइज्जती कर रही है. सो दिस इज माई टेक. पहले मैं किसी और से बात कर रही हूँ, तुम यहाँ देखोगी. एंड सडनली मेरी नजर किसी और पे पड़ती है. हाय, एक मिनट यहाँ आना. तू कल करण तेरे साथ नहीं था ना? पता है क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ था. पर तेरा बॉयफ्रेंड वीकेंड पे तेरे साथ ना होकर मेरे साथ था. यू नो व्हाई? बिकॉज़ मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ. पर तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हो ना? पर तब भी वो घूम फिर कर हमेशा मेरे पास ही आता है. यू नो व्हाई? क्योंकि क्योंकि तुम जैसी लड़कियां ना सिर्फ टाइम पास करने के लिए होती है, एक सीजन की तरह एक लड़के के लाइफ में आती है. भूल गई थी. तो ऐसे मैं एक्सप्रेशन देती हूँ, ऐसे मैं शूट करती हूँ. तो अब मैं फाइनल टेक करने जा रही हूँ, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, तो आप चेक कर लेना. सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो. और इसी तरीके से सब कुछ होता है जिस तरीके से मैंने बताया है, और ये मेरा तरीका है. और आप लोग भी ज़रूर ये सब ट्राई करो. एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.